ये अब समझ में आया। बाकी कलर मैं बता देता हूँ आपको, डिस्कस करते हैं इसको एक बार। कलर का कैसे बदल लगता है, कलर का पता ऐसे लगता है कि हमारी इमेज में अभी मेरे मैंने वहां देखा, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ सही आ गया, वहां क्या आ रहा है, वहां मजेंटा ज्यादा आ रहा है, तो मजेंटा ज्यादा आ रहा है तो मजेंटा का अपोजिट है ग्रीन, ग्रीन बढ़ाएंगे तभी तो मजेंटा कटेगा, ठीक है। और मजेंटा किसका है कलर है, मजेंटा कौन सा कलर है, मजेंटा वो पिंक, पिंक नहीं, कलर कौन सा है मजेंटा, गुलाबी मतलब मजेंटा जो कलर है वो है पिगमेंट कलर, पिंक वाला कलर, लाइट कलर नहीं है, समझ गए, ये प्रकाश वाले कलर है, ये रोशनी वाले कलर है, ये इधर वाले जैसे हां जी, हां ये रोशनी वाले कलर है, देखा होगा वो पहले बार पढ़ा होगा कभी क्लास में, एक प्रिज्म होता है उसमें से सूर्य की रोशनी निकालते हैं तो आगे तक 7 कलर होते हैं, 5 कलर हो जाते हैं, तो वो ये लाइट वाले कलर है, ये प्रकाश वाले कलर है, ठीक है। कभी भी मैजेंटा कलर उसके अंदर नहीं आना, आप प्रिज्म में से निकाल के देखना मैजेंटा कलर होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो शाही वाला कलर है, वो इंक वाला कलर है, उसमें से रेड जरूर निकलेगा क्योंकि वो लाइट का कलर नहीं है, वो चेंज हो गया एशियन है, हां क्या था लास्ट में सेम वही के ये वाला कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर, देखो अब मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, होता है या नहीं होता, ब्लैक कलर होता है, होता है, सफेद कलर होता है, सफेद कलर होता ही नहीं, एक्चुअली में सफेद कलर होता ही नहीं देखा जाए, क्योंकि सफेद कलर सब कुछ सफेद ही है भाई, आपने उसके ऊपर कलर चढ़ाया दूसरा, फिर सफेद तो होता ही ना, कलर तो दूसरे होते हैं, सफेद तो सब कुछ ही सफेद है, धागा बुनोगे रुई आती है सफेद आती है, बाद में कलर चढ़ते हैं उसपे, कागज आता है सफेद आता है, बाद में कलर होते हैं, मतलब नेचुरल कलर, नेचुरल कलर है सफेद कलर, नेचुरल है कलर तो वैसे सारे नेचुरल ही है, लेकिन सफेद कलर होता ही नहीं है, सब कुछ सफेद ही है, डार्क होता है, डार्क बनाया जाता है, अगर इन सबको मिक्स कर देंगे सियान मैजेंटा और येलो को तो डार्क कलर बन जाएगा, आरजीबी को मिक्स कर देंगे तो लाइट कलर बन जाएगा, सफेद बन जाएगा, मतलब सफेद क्या बनेगा, सूर्य की रोशनी क्या है, पीली थोड़ी है, पीली नहीं है वो सफेद है, अपने को लगता है कि पीली है, पीली नहीं है वो सफेद है, चलो पीली कैसे दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है वो क्या है कि वायुमंडल में से जैसे गुजरती है ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो अपने को इसलिए ब्लर ब्लर दिखता है, लेकिन सफेद होती है, ठीक है, तो सफेद है तो सफेद क्या होता है, आरजीबी से मिलकर के तो व्हाइट बनता है, रेड ग्रीन ब्लू, जैसे मान लो ये है, अभी क्या किया, कोई फर्क पड़ा नहीं, नहीं पड़ा, मतलब है ही नहीं कुछ, बढ़ गए ना सारे कलर 100% लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि व्हाइट हो गया, व्हाइट का कोई कलर नहीं है, बता रहा था मैं आपको, कैसे बता रहा हूँ, हाँ ये हमने एक नई इमेज बनाई, इसमें क्या हम कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, अब ये HSL है, अभी नॉर्मली अपन कलर लेते हैं ना तो HSL में चलता है, HSL में क्या होता है ह्यू, ह्यू कितनी है यहाँ पे, तो ये जो चीजें चलती है ये ह्यू है, देखो किसी में भी चेंज नहीं हो रहा, इन तीनों में देखो HSD, अभी HSL नहीं, HSL इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ल्यूमिनेंस का काम नहीं है, यहाँ पे ब्राइटनेस का काम है, कलर में ब्राइटनेस का काम होता है, ल्यूमिनेंस का काम नहीं होता, ल्यूमिनेंस का काम होता है जहाँ एडिट होता है कलर, ठीक है, तो यहाँ ब्राइटनेस का काम, तो ये हो गया ह्यू, ये सैचुरेशन और ये ब्राइटनेस, ठीक है, सबसे पहले ह्यू देखना कि हमें कौन सा चाहिए, मेरे को तो ये वाला चाहिए, फिर आती है सैचुरेशन, यहाँ सैचुरेशन कहाँ है, जैसे जैसे इधर लेके जाऊंगा सैचुरेशन बढ़ती जाएगी, आप देख के जाओ सैचुरेशन बढ़ रही है ना, ब्राइटनेस भी बढ़ रही है साथ, जैसे जैसे इधर लेके आऊंगा ब्राइटनेस कम हो जाएगी, सैचुरेशन वही है ब्राइटनेस कम हो जाएगी, हुई ना, ब्राइटनेस कम हुई तो क्या हुआ, कलर डार्क हो गया, ठीक है, अभी मान लो दो डब्बे लिए मैंने कलर के, कौन कौन से कलर के लिए, मैंने लिया एक डब्बा तो लिया लाल रंग का, एक लिया मैंने